तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व अभिनेत्री जय जयललिता के जीवन पर आधारित कंगना रनौत स्टारर थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। थलाइवी हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। कंगना ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर ये घोषणा की। अभिनेत्री ने खबर के साथ फिल्म का एक पोस्टर भी साझा किया। कंगना ने लिखा, इस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की कहानी केवल बड़े पर्दे पर देखने लायक है। हैशटैग थलाइवी के लिए मार्ग प्रशस्त करें। वह सिनेमा की दुनिया में एक सुपरस्टार की प्रविष्टि करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है। निर्माता विष्णुवर्धन इंदुरी ने कहा कि थलाइवी ने हर मोड़ पर शाश्वत अनुभवों के साथ एक व्यापक यात्रा का पता लगाया है। जैसा कि देश भर में थिएटर फिर से खुल रहे हैं, हम बहुत उत्साहित हैं और प्रशंसक सिल्वर स्क्रीन पर लेजेंड के जीवन के भव्य अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इंदुरी ने कहा, जयललिता हमारे सिनेमा से जुड़ी रही हैं और उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर जीवंत करना इस महान किंवदंती और क्रांतिकारी नेता को श्रद्धांजलि देने का एकमात्र तरीका था। दिवंगत जयललिता के जीवन पर आधारित थलाइवी उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती है। एक छोटी उम्र में एक अभिनेत्री के रूप में उनकी यात्रा को तमिल सिनेमा का चेहरा बनने के साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति में क्रांतिकारी नेता के उदय ने उनके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया। गॉथिक एंटरटेनमेंट और स्प्रिंट फिल्मों के सहयोग से विब्री मोशन पिक्चर्स, कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत थलाइवी विष्णु वर्धन इंदुरी और शैलेश आर सिंह द्वारा निर्मित और हितेश ठक्कर और थ्रियुमल रेड्डी द्वारा वृंदा प्रसाद के साथ सह निर्मित है। थलाइवी के अलावा कंगना के पास धाकड़ जैसी फिल्में हैं। कंगना ने फिल्म धाकड़ की शूटिंग पूरी कर ली है। कंगना फिल्म में एजेंट अग्नि की भूमिका निभाती नजर आएंगी। अभिनेता अर्जुन रामपाल फिल्म में एक नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे। कंगना का पीरियड ड्रामा मणिकर्णिका रिटर्न द लेजेंड ऑफ डिड्डा भी है। कंगना दिवंगत भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म एमरजेंसी में दूसरी बार निर्देशक की भूमिका निभाएंगी।